हर स्टूडेंट का एक सपना होता है। आपका भी सपना होगा कि मुझे IAS बनना है, PCS बनना है, एक्टर, डॉक्टर, लीडर, साइंटिस्ट या एक्सपर्ट बनना है। सपना देखना कितना आसान है। कोई पूछता है कि बेटा पढ़ाई करके क्या करोगे, बड़ा आसानी से जवाब दे देते होंगे ना आप सब कि मैं ये बनना चाहता हूँ, या मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ, या पैसे कमाकर महंगी गाड़ियों में घूमना चाहता हूँ, ऐश करना चाहता हूँ, या देश की सेवा करना चाहता हूँ। और सामने वाला आदमी ये बात सुनकर आपको बोलता होगा, शाबाश बेटा, फिर क्या? आप सब खुशी से झूम उठते होंगे। पर कभी सोचा है गहराई में जाके अपने सपने के बारे में कि वो कैसे पूरा होगा? ये जो एग्ज़ाम आने वाला है, ये आपके सपने की पहली सीढ़ी है। क्या आपने खुद को तैयार किया है इस सपनों को पूरा करने के लिए? ये तय करेगी कि आप अपने सपनों से कितना प्यार करते हैं। बस याद रखो, टाइम बहुत कम है। चॉइस आपकी है कि क्या करना है। इस भीड़ भरी दुनिया में भीड़ का हिस्सा बनना है या खुद को इससे अलग करना है? अगर खुद को अलग करना है तो खुद को अभी से अलग कर लो। यकीन करो मेरा, आज अकेले रह लो, फ्यूचर में दुनिया साथ होगी तुम्हारी। अगर आज दुनिया के चक्कर में पड़ जाओगे तो फ्यूचर में अकेले रहना पड़ेगा। यकीन करो, वो सब मिलेगा जो तुमने सोचा है। बस अपना ध्यान भटकने खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाओ। अपना फोकस अपने सपने पर लाओ। किसी और की बातों में आकर अपना टाइम बर्बाद मत करो। अगर आपने सपना देखा है तो उसको पूरा करने के लिए कौन सा कदम उठाना है ये आपको पता है। बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने से बचाओ खुद को। आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। कहते हैं वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। आप में वो सब सारी एनर्जीज हैं जो आपको चाहिए। आपको मेहनत तो करनी ही होगी, क्योंकि लक्ष्य आपका है तो उसे खोजना भी आपको होगा और पाना भी आपको, चाहे हालात आपके साथ हों।